Uh, a number of public positions taken uh, by India and by the Prime Minister on this subject. Little more than two years ago, he had actually publicly said that this is not an era of war. Indians themselves are celebrating this, and are saying that since Narendra Modi is uh, in Ukraine, koi no siren no baje. It means that Russia is threat a threat. यानी कि ये वाहद मौका है रशिया के यूक्रेन के अंदर वाहद मौका है पिछले दो ढाई साल में कह सकते हैं कि जिसमें रशिया ने कोई हमला नहीं किया जयशंकर भी गए हुए हैं मेरा ऐसा मानना ये है ये मीटिंग और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि जेलेंस्की के से मिलने के लिए अगर मोदी जी डॉक्टर एस जयशंकर और पॉसिबली अजीत दोवल जी अगर गए हुए हैं तो हालात कितने गंभीर है या ये विजिट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इट्स ऑल्सो इंडिया व्यू दू साइड नीड टू एंगेज इच अदर टू फाइंड द सोल्यूशन तीन लोगों के बीच में देख रही है कि मोदी जी इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं दुनिया के जो को भी गले लगाते हैं और मोदी को भी गले लगाते हैं सॉरी पुतिन को भी गले लगाते हैं और दोनों के दोनों के साथ ऐसा बिहेव करते हैं ऐसा कौर्डियल, आ, कौर्डियल है मिलते हैं कि कुछ कहने की हद नहीं ये। देख रहा था कि बहुत सारे जो यूक्रेनियन पार्लियामेंटेरियंस हैं वो बार बार ही अपील करते रहे कि नरेंद्र मोदी जो है वो ग्लोबल साउथ का लीडर है वो पुटिन को कह के जंग बंद करा सक सकता है बात करेंगे भारत ने जो बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं डॉ जयशंकर ने बेसिकली वेस्ट को जिसे कहते हैं नही करारा एक झटका लगाया और वो झटका क्या है उन्होंने कहा जी रशिया के ऊपर तो सेंशन है उसने कहा जयशंकर ने कहा है, हम सिर्फ यूनाइटेड नेशन की जो सेंक्शन है उसकी रिस्पेक्ट करें नमस्कार दोस्तों जय हिंद ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है जो एक देश दो ऐसी कंट्रियों में बैक टू बैक गया है जो आपस में जंग कर रहे हैं और ऐसा सिर्फ भारत ही कर सकता था आज भारत की विदेश नीति से पूरी दुनिया हैरान हो गई है इतना ही नहीं पीएम मोदी के यूक्रेन पहुंचते ही रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन पर अटैक करना बंद कर दिया है वरना लगातार रशिया यूक्रेन पर गोला बरसा रहा था आज से एक महीने पहले जब पीएम मोदी मॉस्को के विजिट पर गए थे तब अमेरिका सहित पूरे वेस्ट ने पीएम मोदी के मॉस्को विजिट की आलोचना की थी साथ ही जलेसकी ने यहाँ तक कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी सबसे बड़े मॉडरेट से गले मिल रही है भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन इसका जवाब भारत ने नहीं दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड से सीधे यूक्रेन पहुँचे पीएम मोदी के कि पहुँचने पर ही भारतीय समुदाय के लोग ने उनका गर्म के साथ स्वागत किया और भारत माता की जय के नारे भी लगाए उन्होंने इस बीच प्रेसिडेंट जलेसकी ऐसी मुलाकात की पीएम मोदी प्रेसिडेंट जलेसकी के साथ यूक्रेन नेशनल म्यूजियम में पहुँचे इस मुलाकात की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आई है जिसमे दोनों भावुक होता देखा जा सकता है दरअसल दोनों नेताओं ने ने रूस और यूक्रेन के युद्ध में मारे गए बच्चों को को दी। आज भारत पूरी दुनिया बता know, वो रिपोर्टर कौन था लेकिन मेरा ख्याल बीबीसी का रिपोर्टर था जिस पे जिसने ये सवाल किया डॉक्टर जयशंकर कि नरेंद्र मोदी जो उन उन्होंने क्यों हक किया मोदी उसके उससे प्रोटेन से तो जिस पे डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये हमारा जो पार्ट ऑफ वर्ल्ड है जहाँ पे हम रहते हैं इंडिया में वहाँ पे कल्चरल कर्टसी होती है इन कल्चरल कर्टसीज के आप जिस बंदे से मिलते हैं तो आप इस अंदाज से मिलते हैं तो मोदी दुनिया में जिस लीडर को भी मिलते हैं जहां भी जाते हैं इसी अंदाज से मिलते हैं सो इसको आप नेगेटिव कॉनोटेशन में ना लें और आपके मुल्कों में होता होगा कि आप इस तरह नहीं मिलते लेकिन हम इस तरह मिलते हैं। सो बेसिकली उनको पता था ये सवाल आने हैं सो ये लफ्ज़ जो कल्चरल कर्टसी है या कर्टसी जो वर्ड था ये मैंने वहां पर देखा कि डॉक्टर जयशंकर देख रहे थे आप अपने पेज के ऊपर के अगर इस तरह तो इसको कैसे जवाब दे रहे हैं पहले ही सारा उनको पता होता है कि ये सवाल आएंगे तो उसका पॉसिबल जवाब हमने क्या तैयार करके रखना है तो डॉक्टर जयशंकर हर वैसे ही स्मार्ट डिप्लोमेट उसको पता है मैंने कैसे जवाब देना है लेकिन इवन देन जो फॉरेन ऑफिस होता है वो उनको बहुत सारा जो उनकी अहमी है वो बहुत सारा चीज़ें उनको बताती है जब फिर डालने वाली बात थी जिस पर उन्होंने कमेंट किया दूसरी की इंपॉर्टेंट बात है और डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली वेस्ट को जिसे कहते हैं ना कि सही करारा एक झटका लगाया और वो झटका क्या है उन्होंने कहा जी रशिया के ऊपर तो सेंक्शन है उसने कहा जी हम डॉक्टर जयशंकर ने कहा हम सिर्फ यूनाइटेड नेशंस की जो सेंशन है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं बाकी ये जो बायलेटरल आप लोग लड़ते रहते हैं हमें इसकी कोई परवाह नहीं दैट इज समथिंग डायरेक्ट मैसेज टू वॉशिंगटन डायरेक्ट मैसेज टू लंडन एंड पैरिस कि आप जो मर्जी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ आप जो मर्जी सेंक्शंस करते रहो हमें उसकी कोई परवाह नहीं है हमें अगर परवाह है तो वो सिर्फ और सिर्फ उन सेंशन की है जो यू एन की हैं इट मीनस कि इंडिया कामयाब है कि इंडिया जो पाकिस्तान के रिलेटेड अक्सर बात करता है वो यही कहता है जी कि वो यू एन डेजिग्नेटेड हैं तो हमें यू एन की परवाह है यू एन से हम बात कर रहे हैं हम किसी और चीज़ की बात ही नहीं कर रहे हैं दूसरा जलेंसकी साहब को इनवाइट कर दिया कि वो इंडिया ही पहले तो वो फ़ोन चून करते रहे आ, लेकिन जिस अंदाज से जलेंसकी मिले कोई हक भी किया है उसने तो बड़ा सख्त मुंह बना के ऐसा मुंह बनाया जैसे ये लगे कि मैं बड़ा गम में हूँ मैं बड़ा परेशान हूँ मैं गु़स्से में हूँ ये अंदाज उन्होंने जलेंसकी ने जो है वो अडोप्ट किया अगर आप उनकी तस्वीरें देखें सवाए उस वक्त पे जब मेडिकल सप्लाइज दी जा रही हैं और नरेंद्र मोदी हाथ में ला रहे हैं उसके अलावा कोई ऐसा मौका नहीं था ठीक है जब के मुंह में थोड़ी सी मुस्कुराहट आई हो इंडियंस इस चीज को भी बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब से नरेंद्र मोदी इस वक्त यूक्रेन के अंदर कोई साइरन नहीं बजे इट मीन्स के रशिया की तरफ से थ्रेट नहीं है यानी कि ये वाहद मौका है रशिया के यूक्रेन के अंदर वाहद मौका है पिछले दो ढाई साल में कह सकते हैं कि जिसमें रशिया ने कोई हमला नहीं किया या रशिया की तरफ से किसी किस्म का को कोई खतरा जो है वो महसूस नहीं किया गया बिकॉज रशिया ने जारी बात है नरेंद्र मोदी को तो नाराज़ नहीं करना और मैसेजिंग भी देनी है कि हाँ जी क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है और इस तरह की चीजें सो बहाल ये चीजें जो है ये तो आ, हमें नजर आ रही हैं अब बड़ी बातें हुई हैं जी हम इकोनॉमिक साइंटिफिक टेक्निकल कोऑपरेशन दिस एंड दैट अमन के लिए बढ़िया है और दूसरा जी अमन जल्दी आएगा हम अमन को देख रहे हैं और इंडियन मीडिया प्राइवेट मीडिया एन डी टी वी इंडिया टूडे अदर बाकी जितने भी हैं एन आई सारा वहां पहुंचा होता है सो इट मीनस कि नरेंद्र पाकिस्तानी मीडिया तो जाते ही नहीं है या जाता है थोड़ा सा तो उर्दू मीडिया होता है इंडियंस क्या करते हैं कि वो अपना सारा इंग्लिश मीडिया लेके जाते हैं और इंग्लिश मीडिया क्या करता है इस दफा मैंने एक चीज़ महसूस की है नरेंद्र मोदी के ट्रिप्स के दौरान कि नरेंद्र मोदी क्या करते हैं कि नरेंद्र मोदी अपना जो मीडिया उसको पहले बेचते हैं प्राइवेट मीडिया उसको पहले बेचते हैं वो जो मीडिया होता है उसको वहाँ पे लोकल्स तक एक्सेस दी जाती है पॉलिटिशियंस तक सिविल सोसाइटी तक एक्केडेमिशंस तक एक्सेस दी जाती है और वहाँ पे जो इंडियन एम्बेसी होती है वो ऑलरेडी काम कर रही होती है फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि बहुत सारे जो यूक्रेनियन पार्लियामेंटेरियंस हैं वो बार बार ही अपील करते रहे कि नरेंद्र मोदी जो है वो ग्लोबल साउथ का लीडर है वो पुटिन को कहे कि जंग बंद करा सकता है ये कर सकता है वो कर सकता है मैं... मतलब इस तरह की चीजें देन सिविल सोसाइटी को लोगों को मिला ये उजागर करो हेल्प करो बताने में कि इंडिया क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है इन मुल्कों में इसको देखते हुए एक चीज़ तो पता चल गई कि नरेंद्र मोदी ने जो आ, अपना दौरा किया यूक्रेन का आ, वो जो ऑप्टिक्स वेस्ट को देना चाहते थे मिल गए हैं वो जो चीजें वेस्ट को समझाना चाहते थे करना चाहते थे वो सारी की सारी हो गई हैं जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त कीव यूक्रेन में हैं उनकी मुलाकात भी हो गई है मीटिंग भी हो गई है प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ उनकी क्या बातचीत हुई कितने एग्रीमेंट्स हुए वो महात्मा गांधी मेमोरियल जो स्टैचू है वहाँ पर गए जो जंग में बच्चे मारे गए हैं वहाँ पर गए और जेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात की वहाँ की किताब में क्या लिखा ये सब कुछ एक तरफ और भारत ने यूक्रेन को जो गिफ्ट दिया है जो मोदी साहब गिफ्ट लेकर गए हैं यूक्रेन के जंगजदा लोगों के लिए वो एक तरफ उसने सब चीज़ों को मात दे दी है